नेक्स्ट हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल इस तरह का होता है, इसकी एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। यहाँ पे ये एक गोल सा बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो इसकी आउटपुट है वो इसके इनपुट के उल्ट होगी। ये इसका लॉजिक सिंबल है, नॉट गेट का ये लॉजिक सिंबल है। इसको ए इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और या तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है और ए बार भी कहा जाता है। वाई इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और वाई इज़ इक्वल टू ए बार भी कहा जाता है। ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन होती है। द आउटपुट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द इनपुट, इसकी जो आउटपुट होती है वो हमेशा इसकी इनपुट के उल्ट होती है। यानी कि अगर इसकी इनपुट जो है वो अगर ज़ीरो यानी कि लो होगी तो इसकी आउटपुट जो है वो हाई आएगी, यानी कि इसकी आउटपुट इनपुट के उल्ट आएगी। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, क्योंकि इसकी एक ही इनपुट है तो या तो वो लो होगी या वो हाई होगी। इनपुट ए लो होगी या हाई होगी, अगर इसकी इनपुट ए लो होगी तो इसकी आउटपुट हमारे पास हाई आएगी, और अगर इस हमारे पास इसकी इनपुट हाई होगी तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो लो आएगी। इसकी जो आईसी है इसमें हम इसमें इसकी जो आईसी का नंबर है वो है 7404, ये इसकी आईसी का नंबर है। वी आर हैविंग 6 नॉट गेट्स आर अवेलेबल, इस आईसी में हमारे पास 6 नॉट गेट अवेलेबल होते हैं। 7404 आईसी में हमारे पास 6 नॉट गेट अवेलेबल होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट्स, नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहा कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास आउटपुट होती है वो इनपुट के उल्ट आती है, इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट्स भी कहते हैं।